नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी हम बिलासपुर से करीब 28 किलोमीटर दूर रतनपुर, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर, देवी माँ का मंदिर, महामाया मंदिर, तो यहाँ पर हम इस गांव में आए हैं। यहाँ पर बता रहे कि धान की कोठी में एक कोबरा गिरा हुआ है, तो चलिए सांप को निकालते हैं, परिवार को सेव करते हैं। कहाँ पर है? दोस्तों यही घर है जहां पर खास करके मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई साल भर का जो फसल उगाते हैं, धान उगाते हैं, और अपने धान की कोठी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, धान को स्टोर करते हैं, और इसकी गहराई घर के अंदर ही रहता है। कितना होगा गहराई उसका, धान की कोठी का? 5 फुट, 5.5 फुट की गहराई है, और उसी में धान स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर बता रहे हैं कि सांप गिरा है और बहुत सारी केचुली है, तो हमने भी चलिए देखते हैं कि सांप ऐसे स्थिति में है। वो पट्टी वगैरह है क्या ऊपर में, थोड़ी जिससे छाना धूल धूल है ना? टॉर्च हो गया, टॉर्च टॉर्च। दोस्तों देखिए, दो सांप यहाँ पर हैं, स्पेक्टिकल कोबरा, जहरीले नाग नागिन, और धान की कोठी में, और इसमें उतर के हमारे लिए भी काम करना एक खतरा है। हाँ देख रहा हूँ कुछ है तो नहीं भैया, उतरने से पहले मेरे को सोच समझ के काम करना है ना। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर छत और इसके बीच में एक पटिया डाल के एक स्थान बनाया जाता है जहाँ सामान स्टोर किया जाए। तो ये हमारे जवान जी जो कि ऑन ड्यूटी तैनात है 112 से पुलिस विभाग, जगह ही नहीं है। भैया दोस्तों, मुझे एक एक सांप को यहाँ से निकालना पड़ेगा, और दोनों ही गुस्से में हैं, और अगर मैं छेड़ा तो मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो समझदारी यह है कि एक एक करके निकाला जाए। पहले हम छोटे सांप को निकालते हैं, नागिन को। अभी फोन काटिए सर, थोड़ा सावधानी से रहिएगा। फोन काट दो। लोग नहीं उतर रहे हैं, हम क्यों उतरे? तो गुजर है ना, तुम लोग भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। लाइट दिखाओ मेरे को, इधर रामदा का
ला के दिखाएंगे हम सब आदमी, पहले हो जाए भैया। दोस्तों हम खतरा ज्यादा ना लेते हुए क्योंकि बहुत कंजेस्टेड प्लेस है और छोटे से जगह में दो सांप, एक नाग नागिन और चार महीने से घर वाले यहाँ पर आए नहीं है। और जब कल बारिश हुआ और ऊपर चेक करने आए तो उस कंडीशन में जब देखे सांप यहाँ पर, और इतना कंजेस्टेड प्लेस में हमारे साथ भी हादसा हो सकता है क्योंकि इसका जहर बहुत खतरनाक होता है और न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, और ये काट दे और सही टाइम में इलाज ना मिले तो डेफिनेटली मौत है। और सोच के देखिए छोटे से जगह में दो दो नाग है, नाग नागिन है, और मुझे काट दे तो मैं बिलासपुर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी मौत निश्चित है। हमला नहीं भैया, सब बाहर में रहना भाई ना। क्योंकि इतना बड़ा सांप को लेके निकलना माने मेरे शरीर में भी हमला कर सकता है वो, और क्योंकि बहुत छोटा जगह है ये, आई थिंक 1.5 फीट का होगा। हाँ सर, 1.5 फीट का होगा और इसी से मुझे निकलना है, तो सांप को भी लेके निकल, इतना बड़ा करीब 5.5 फीट का सांप है और मेरे शरीर में जाहिर सी बात है हमला करेगा ही करेगा। दोस्तों इसके साथ यहाँ मुंडी पकड़ना ज्यादा सेफ्टी था। बाहर हो जाइए बहन, आप लोग बाहर हो जाओ ना। है, है, है। काटा काटी नहीं भाई, तू काटेगा मर जाऊंगा। इसको असलिया थी, मैं भैया लोगों को शूट कर लूँ ना, और हम लोगों के साथ कंटिन्यूसली भैया लोग भी यहाँ ऊपर ही थे। आप देख सकते हैं इन लोगों की परिस्थिति एकदम पसीने से तर बतर हो गई है। चलिए भैया आप लोग भी नीचे जाइए, मैं आखिरी में उतरूंगी। ये दोस्तों देखिए, जब हम रेस्क्यू करते हैं तो उस रेस्क्यू को आपको तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए सबसे बड़ा रोल रहता है कैमरामैन। कहने का मतलब चाहे आरती रेस्क्यू करती है तो मैं शूट करता हूं, और जब मैं रेस्क्यू करता हूं तो आरती शूट करती है, तब जाके क्योंकि रेस्क्यू से खतरनाक सिचुएशन ये होता है कि वीडियो शूट करना, और कैसे वीडियो बनाते हैं ये देखिए। फाइनली दोनों सांप रेस्क्यू हो गया, आपने देखा किस तरह से खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन था। जब भी अगर सांप काटता है, हमारे ग्रामीण भाई इसके शिकार ज्यादा होते हैं, अगर सांप काटता है तो कोई तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता, झाड़ फूक देसी राज ना करे, आपकी जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है।
और सांप के जहर से बना इंजेक्शन एंटी वेनम, इसलिए सांप काटे तो प्राथमिक उपचार लेते हुए जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो यूट्यूब में मेरा चैनल है कमल चौधरी, आप सर्च करिए, उस चैनल के साथ साथ घंटी को बेल आइकन को भी ऑल करिए, तो रेगुलर हमारे वीडियो मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। इसी में आप दूसरा वाला भी डालोगे नीचे जवान जी, आइए बैठ कुछ नहीं होगा, आप लोग मत जवान जी बैठ पड़िए, नीचे कोबरा है चिंता मत करिए, वो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो जस्ट अभी ये दो कोबरा को हमने 112 के साथ रतनपुर में आके, कौन से गांव था ये, घासीपुर में हमने रेस्क्यू किया। अब ये यहाँ पर जंगल फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया है, तो सही सलामत इन दोनों सांपों को हम रिलीज कर रहे हैं, देख सकते हैं।